आपको तो इतना सुख दिया जिस सुख बिना आप रह नहीं सकते, उसको जीने भी नहीं देना, उपकार करना चाहिए आपको, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितनी बड़ी हत्या है। हमारी बहनों से ही कहना है आप भी सोचो जिस सुख में रहे देखो नाश कर देना। भागवत महापुराण में कपिल देव जी महाराज माता देवहूति का संवाद आता है, उस देवहूति से कर्दमनी की स्त्री कपिल देव की माँ उस देवहूति को कहा है, गर्भ में रहने वाले को ऋषि कहा है, ऋषि 100 जन्मों की बात याद है उसको, या पश्चाताप करता है भागवत महापुराण में, ऋषि नाम ऋषि और मंत्र दृष्टार मंत्र देखने वाले, कितना ऊंचा ऋषि है, 100 जन्मों की बात याद है, इतना ज्ञानी उसका टुकड़ा कर देना कितना पाप है। जो ब्रह्म हत्या का पाप है, जिस ब्राह्मण के द्वारा दूसरों का हित होता है उस ब्रह्म हत्या का पाप है, तो वो कितना ब्राह्मण है, बड़ा ऊंचा ऋषि है वो, ब्राह्मण हर एक ऋषि नहीं होता है, ऋषि है वो, इतना जानकार है, उसको मार देना बिना कसूर, क्या कसूर किया, आपको सुख दिया है जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख दिया है आपको, सुख देकर घर में आया है, क्या आपको दुख देकर आया है, किसी भाई के बहन को बताओ मेरे को, आपका अपकार किया है उपकार किया है, इतना सुख दिया उसको टूटा टूटा नाश कर देना, इतनी कृतज्ञता है कोई पाप में, किया गया उपकार करता है आप महान हत्या करते हो, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो, इसके समान कोई पाप है। ठेका दिया जनता बढ़ जाएगी, तो जनता उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं, रक्षा करने वाले विष्णु भगवान हैं, उसकी चिंता आप करते हो, आप रक्षा कर लोगे, अपने कुटुंब की भी रक्षा कर लोगे, है सकते अभिमान कर सकते हो, संतान की रक्षा नहीं, अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते, कर सकते हो पूरी रक्षा, अपने को मरने मत दो, है हाथ में विष्णु भगवान का भरोसा नहीं, जो पालन शक्ति है संसार मात्र का पालन करने वाले विष्णु भगवान, उसका भरोसा नहीं, उसका विश्वास नहीं, और जीव आता है प्राप्त को लेकर तस्य विपाको जात्यायुर्भोग, कर्मों का फल होता है, उसे जन्म होता है, आयु और भोग तीन होता है, तो वो कर्मों के अनुसार आता है, वो आपके भरोसे आता है, कोई जीव आपके भरोसे नहीं आता है, अपना कर्म है, जैसे पुण्य और पाप है उसके अनुसार उनको भोग मिलेगा, जीवन मिलेगा। तो विष्णु भगवान का विश्वास नहीं और कर्मों का विश्वास नहीं, दो हाथ और एक पेट होगा जन्म में, दो हाथ से कमा कर अपना पेट नहीं भर सकता, जो कि 60-60, 50-60, 70 रुपया रोजाना खेती में मिलते हैं, या दूसरा काम करते 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया रोजाना ऐसे काम करने वाले पाते हैं, एक भूखा मर जाएंगे, 5 तोड़ा अन्न होगा तो नहीं मरेंगे, कितनी पैदा होती है, आदमी नहीं मिलते काम करने वाले, जो बता रहे हैं बैठ के बोट का जमाना, अरे आप सिंह का घटा रहे हो, उधर संख्या बढ़ रही है, आप विपक्षियों में 60-60 लड़का लड़की एक आदमी के, 3 ब्याह किया, 60 लड़के हुए, मेरे पास समाचार आ रहा है, या चौथा ब्याह फिर करूंगा, या 60 लड़का लड़की है, एक 20 लड़का लड़की है, एक मर गया 19 है, मेरे पास आया समाचार, वो संख्या बढ़ेगी, और स्वराज होने के बाद में हिंदुओं की संख्या कितनी बढ़ी और उनकी संख्या कितनी बढ़ी, और उनका राज होगा तो क्या दशा करी है आपके, पहले मंदिरों को तोड़ा है, पुस्तकों को जलाया है, बहन बेटियों को ले गया है, ये दशा हुई है, अरे वोट का जमाना है, अरे आप वोट जमाने में आप संख्या घटा रहे हो, अरे वो संख्या बढ़ रही है, किसका राज होगा, आपकी दशा क्या होगी, जो आवश्यक समझते हो, आवश्यक तो सबके लिए होना चाहिए, एक आपके लिए ही क्यों, आपको नौकरी नहीं रखेंगे, आपको नौकर नहीं रखे, आपको करना चाहिए, आप 5-7 आदमी लाओ ऑपरेशन कराने वाले, आप पर दबाव डाला जाता है, नौकरी से जवाब दिया जाता है, यार उनकी बात वो पनपते हैं, उनकी परवाह नहीं है, अरे आप सुनते जाओ देखते जाते हो, कहते हैं उसे खर्चा बहुत लगता है, तो आप दहेज लेते हो, ये अन्याय करते हो आप, वो पाप के भागी भी होंगे जो अन्याय ज्यादा दहेज लेते हैं, लड़के वाले इतना पैसा दो, ये करने वाले महान घातक है, क्रूर है, महान कसाई है, उसके कारण से इनको उत्साह मिलता है, दहेज पर त्याग करो, कुमकुम कन्या देंगे, जिसे उम्र भर संबंध है,
उसका तिरस्कार करते हो और रुपयों का आदर करते हो, रुपया आपका कमाया हुआ कहते हो, हाथ का मैल है, हाथ का मैल है कि काल की कोल है, क्या है आपका ये, जरा सोचो। उन रुपयों के लिए लड़की बिचारी आती है तिरस्कार करते हैं, या दहेज मिल जाती है, लड़की को मार दिया है कि दूसरा ब्याह करेगा और रुपया मिलेगा, उस रुपयों के लोभ में मार दिया लड़की को, ऐसी बात मेरे पास आई है। अरे तिरस्कार करते हैं, अपमानित करते हैं, ऐसी लड़कियां मेरे पास शिकायत आई है। स्त्री को पति तंग करता है, गर्भ गिरा, ऑपरेशन करा, वो कहती मैं पालन करूंगी, आप कोई चिंता मत करो, जिसमें जबरदस्ती करते हैं आप। हमारी बहनों भी ऐसा करती है, गर्भपात करती है, अरे कोई गर्भवती उसे पीछे पड़ जाती है, तू ही ऑपरेशन करा, तू ही ऑपरेशन करा। महान हत्या का प्रचार करने वाली महान हत्यारी वे स्त्रियां हैं जो ऐसा प्रचार करती है, कितना पाप कर रहे हैं, समाज का कितना नाश कर रहे हैं, भावी संतान की क्या दशा होगी, वो संख्या बढ़ेगी अधिक, फिर राज्य होगा तब, पहले हुआ है, भुगत भोगी है, बड़े बड़े अयोध्या है, काशी जी है, मथुरा है, बड़े बड़े आपके मंदिर जो तहस नहस कर दिया है, वो उनका राज्य तो क्या करेंगे, जब वोट का जमाना है आप घटा रहे हो, भविष्य क्या होगा आपका, ऐसा अन्याय इतना पाप किसी में नहीं है, ऐसा गर्भपात का बड़ा भारी पाप है, ये परिवार नियोजन का बड़ा भारी पाप है। शास्त्रों में मनुष्य को दुर्लभ बताया है, आपने कई व्याख्यान सुने हैं, दुर्लभ हो मानुष होते हो, दुर्लभ हम त्रैमय वेतत, दुर्लभ साध सुलभ करीब लब्धवास तो दुर्लभ है, मैं जगह जगह मनुष्य दुर्लभ, मनुष्य में आकर कल्याण कर जीव का उसका रोक लगा देना आपने, कितना भारी अन्याय किया है, मुक्ति का आने क्या आने नहीं देते, मुक्ति करे कैसे, और किसी धर्म में इतनी सस्ती मुक्ति तो बताओ, मैं जोर से कहता हूँ, मेरे को बता दोगे आगे कहना शुरू कर दूंगा कि उस धर्म में भी इतनी जल्दी मुक्ति होती है, माँ बाप की सेवा से मुक्ति हो जाए, निष्काम भाव से मुक्ति हो जाए, परमात्मा तक बोध से ज्ञान भक्ति हो जाए, भगवान की भक्ति से मुक्ति हो जाए, कर्तव्य पालन करने से मुक्ति हो जाए, बड़े ढंग के जोर शास्त्र कह रहा है, इससे मुक्ति जिसकी होती उसमें आना नहीं देना जीव को, कितना अन्याय करते हो आप, कितना महापाप करते हो, रोको मत, हम सही में रखो, भोगों में लगना अन्याय करना फिर भोगों में लगना, इधर तो अन्याय करना नसबंदी करना और उसके ऑपरेशन कर देना और फिर भोग भर के अपने शरीर का नाश करना और जल्दी मरना, ये मनुष्यता है, जितना प्रेमचर्य का नाश होता है उतनी मौत जल्दी आती है, शरीर कमजोर होता है, रोगों का घर हो जाता है, इस शरीर की रक्षा करने वाले शक्ति का नाश करना, जनता दर्द बढ़ जाएगी, ऐसे पापियों का दंड बढ़ना अच्छा है, कुंभकर्ण से शोध नहीं के, अब जरा सोचो कर क्या रहे हो, कितनी बातें बताऊं, पुस्तक देखना, मातृशक्ति घोर अन्याय, गर्भ में बच्ची देख दो गर्भ गिरा दो, ये बच्ची क्या है, ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति की महिमा ज्यादा है, माता पिता दोनों की आज्ञा पालन करने में माँ की आज्ञा भगनी करनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण।